आईपीएल के 34वें मुकाबले में 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट से हुआ। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला गया। पिछले 2 मैच हारने वाली लखनऊ की टीम ने चेन्नई को हराकर जीत की पटरी पर वापसी की, जबकि चेन्नई की टीम जीत की हैट्रिक नहीं लगा सकी। टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करने उतरी चेन्नई की पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। दूसरे ओवर में रचिन रविंद्र 0 पर आउट हुए, ऋतुराज गायकवाड 17 रन और शिवम दुबे 3 रन बनाकर आउट हुए। अजिंक्य रहाणे ने 36 रन का योगदान दिया। समीर रिजवी मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। मोइन अली ने तेज 30 रन की पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने 40 गेंद पर 57 रन की नाबाद पारी खेली। MS धोनी ने 9 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्के जड़कर 28 रन की कैमियो पारी खेली, जिसके दम पर CSK 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 176 रन स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल रही थी। CSK से मिले 177 रन के टारगेट का पीछा करते हुए लखनऊ की जीत KL राहुल और क्विंटन डिकॉक की पारियों से ही तय हो गई थी। ओपनिंग करने आए इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 134 रन की बड़ी साझेदारी की। डिकॉक के बल्ले से 43 गेंदों में 54 रन की पारी देखने को मिली। उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया। कप्तान KL राहुल ने 53 गेंदों में 82 रन की पारी खेली। उनके बल्ले से 9 चौके और 3 छक्के निकले। इन दोनों के अलावा निकोलस पुरन 23 रन और मार्कस स्टोइनिस 8 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान KL राहुल और क्विंटन डिकॉक दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए हुई शतकीय साझेदारी के दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। लखनऊ को पिछले 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन टीम ने अपने होम ग्राउंड पर जीत दर्ज की। लखनऊ ने 1 ओवर शेष रहते 2 विकेट पर 180 रन बनाकर जीत दर्ज की। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।